एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग, यानी आपके क्रश की, आपके पार्टनर क्या करंटली वो सोच रहे हैं आपको और आपके कनेक्शन को लेकर। ठीक है, तो ये हम चेकआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, राइट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आऊं तो लाइक भी करना है, ओके। चले तो चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहें, कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स जरूर लिखें, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज डिवाइन विश, यूनिवर्स की ही इच्छा है ये कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस रीडिंग तक पहुंचे हो और इस रीडिंग से गाइडेंस ले रहे हो। ठीक है, ये रीडिंग स्पेसिफिकली जनरल है, कलेक्टिव है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है, या फिर अगर आप एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, यानी आपकी बात होती है कभी आपके क्रश से, कभी नहीं होती है, ठीक है, और गैप पड़ रहा है आप लोगों के बीच में, तो भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो दोनों सिचुएशन में। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलिए तो देखते हैं आपके पर्सन की करंटली क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर और आपके कनेक्शन को लेकर। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करें मेरे व्यूअर्स को जानने में उनके पर्सन की, उनके क्रश की, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। फर्स्ट कार्ड इज मून, मजीशियन, लवर्स, थ्री ऑफ वैंड्स, ठीक है, पेज ऑफ वैन, एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। काफी पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं गाइस आपके लिए, एंड इट इज जजमेंट, फाइन, एंड एट द बॉटम वी कैन हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, ओके, एंड वन मोर कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, वन सेकेंड, आई होप सो आप लोगों को कार्ड्स प्रॉपरली दिखें, ठीक है। कार्ड्स देखना बहुत 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 नेसेसरी है गाइस, ठीक है, उससे आप कनेक्टेड फील करते हो, है ना, आपको समझ में आता है आप कौन सी सिचुएशन में हो। ये कार्ड्स आफ्टर ऑल आपकी सिचुएशन ही तो डिपिक्ट कर रहे हैं, एंड एट द बॉटम वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो गाइस यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हम बॉटम का डेक ले चुके हैं, बॉटम का कार्ड, इसलिए मैंने दोबारा बॉटम का कार्ड नहीं लिया है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो जोडियक साइंस हैं वो लाइक जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है, एंड साथ ही साथ एरीज, लियो एंड सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये सारी की सारी आज कहीं ना कहीं जोडियक साइंस यहाँ पर है आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है, अगर नहीं भी है तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। वैसे गाइस आज के बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया, देखो एस ऑफ कप्स खुद उठ कर आया है ना, जजमेंट का कार्ड उठ कर आया है। तो यहां पर सबसे पहले ही कार्ड है मून का। ऑलमोस्ट आप लोगों में से कई लोग जो है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में हो सकता है कि फंसे हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में, आपके कनेक्शन में कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है या फिर आपके पर्सन के पेरेंट्स, उनकी कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी वो होती है जो आपको पता होती है, और यहाँ पर मून का कार्ड थर्ड पार्टी को शो कर रहा है, और साथ ही साथ ये शो कर रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है वो आपके खिलाफ आपके पर्सन को बहुत भड़काती है, ठीक है। वो जो थर्ड पार्टी है ना कहीं आपके खिलाफ आपके पर्सन के जो कुछ भी उल्टा सीधा कहती है ना, ठीक है, आपके पर्सन उसे सुनना नहीं चाहते, उस पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मून का कार्ड है तो साथ ही साथ मजीशियन का कार्ड है, उन्हें आप पर बहुत भरोसा है, असलियत थर्ड पार्टी की उनके सामने है, मे बी मजबूरी में वो थर्ड पार्टी के पास रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में वो सोचना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि उन्हें सोचना पड़ा है, उन्हें थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टी आपके खिलाफ बहुत बातें हैं जो उनके बोलती है, और आपके आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करती है उनकी नजरों में, आपके पर्सन की नजरों में, लेकिन आपके पर्सन आपको लेकर इतना कॉन्फिडेंट है। सी मजीशियन का कार्ड खुद उठ कर आया, तो आपके पर्सन इतने कॉन्फिडेंट है आपको लेकर कि आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस पर्सन से ट्रू लव करता हूं, ये मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है,
ठीक है, तो जो भी प्लानिंग थर्ड पार्टी अगर कर भी रही है आपके अगेंस्ट, तो वो सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिख रही है। वहीं पे लवर्स का कार्ड है, मे बी आपके पर्सन इस चीज को बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि उन्हें आपसे प्यार हो चुका है, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके सोलमेट हो। ठीक है, उनकी फीलिंग्स में जो आपके मिलने के बाद जो चेंजेस आए हैं उनकी फीलिंग्स में, ठीक है, वो उसे प्योरली समझने लगे हैं। ठीक है, पहले उन्हें क्लियर नहीं थी ये चीजें कि वो आपसे प्यार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जब से शायद आप उनकी जिंदगी से दूर गए हो, ठीक है, जब से आपसे उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है, ठीक है, तब से उन्हें ये चीज रियलाइज हुई है कि वो आपसे अलग नहीं रहना चाहते, आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। ओके, मे बी आपसे जब भी उनकी बात होती होगी तो शायद क्लियर वे में नहीं होती होगी, कम्युनिकेशन ज्यादा क्लियर नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, बिकॉज यहां पर क्या थ्री ऑफ वैंड हमें दिख रहा है, साथ ही साथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है, मे बी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में भी हो या बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, तो यहां पर मुझे ये चीज दिख रही है कि वो ना आपको शो नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स, वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा पा रहे कि जनरली वो दिल के अंदर से, दिल की गहराइयों से वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका रीजन है वो थर्ड पार्टी, ठीक है, या फैमिली, क्योंकि मे बी अगर आपका पर्सन मैरिड है या ऑलरेडी उसकी कोई वाइफ है, हस्बैंड है, या आपका पर्सन ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसे ऐसे लग रहा है कि मैं उस पर्सन के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उस पर्सन के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता, तो वो आकर आपको भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। ठीक है, उन्हें वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपसे हाइड कर कर रखना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे ये चीज दिख रहा है। ऑलमोस्ट वो इसलिए अपने आप को वर्क में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि मैं खुद को अगर बिजी रखूंगा, लाइक जिम जाना, ठीक है, अपने वर्क पर ज्यादा फोकस करना, मनी मेकिंग, स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लेकर आना, पैसे कमाना, अपनी काम में स्किल्स हासिल करना, ठीक है, वो उस चीज में ज्यादा फोकस रहते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि अगर मैं खुद को बिजी रखूंगा तो मैं अपने प्यार के बारे में यानी आपके बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, बट द सिचुएशन इज पेज ऑफ वैंड, फिर ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। ठीक है, उन्हें ऐसे लगता है आपके बिना कितना खालीपन है, कैन यू सी दिस कार्ड, कितना खालीपन है आपके बिना उनकी जिंदगी में, ठीक है, अकेलापन कितना है उनके जिंदगी में आपके बिना। ठीक है, उन्हें ऐसे लगता है मैंने कितने सपने इस पर्सन के साथ जिए हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन मेरी इस पर्सन के साथ है, लेकिन एट द लास्ट क्या चीज हो रही है कि वो पर्सन ही मुझे हासिल नहीं हुआ, मेरी वजह से वो इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है वो चला गया, है ना, उसे ऐसे लग रहा है आप कहीं मूव ऑन ना कर जाओ, उन्हें डर है इस चीज का, गॉड से प्रे भी कर रहे हैं आपके लिए, जजमेंट का कार्ड है, गॉड से प्रे कर रहे हैं आपके लिए कि प्लीज हमारा रीयूनियन हो जाए, हमारा रिकंसिलेशन हो जाए, मेरा पर्सन मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, उसके दिल में जो मेरे लिए गलत फहमियां हैं वो हटे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन, एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके बारे में सोचते हैं, अरे इस कनेक्शन में वो अपना पूरा 100% एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, दिख रहा है एस ऑफ कप, पूरा 100% इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, और जो कनेक्शन उन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, उन्हें कहीं ना कहीं डिवाइन पर ट्रस्ट है कि जो कनेक्शन यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उनके लिए भेजा है, ठीक है, तो वो कनेक्शन उनसे कहीं दूर नहीं जाएगा, अगर आप उनके हो तो डेफिनेटली उनके पास होगे, चाहे अभी वो वेटिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, चाहे अभी वो साइलेंस की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, मे बी दिस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी ने मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आई बिलीव कि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ द पेंटिकल इज टेलिंग मी कि वो जो थर्ड पार्टी है ना उनके पैसों से ज्यादा प्यार करती है, या फिर उसके पैसों से, या कोई सी तरीके का लालच है कि दुनिया को दिखाना चाहती है, शायद आपके पर्सन के पास बहुत नेम है, फेम है, ठीक है, या ऐसा कुछ पैसा बहुत ज्यादा है, या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है आपके पर्सन के पास जिससे आपकी थर्ड पार्टी को उससे प्यार है, रादर देन आपके पर्सन से, आपके पर्सन से ज्यादा तो उसको उसके पैसों से प्यार है, उसके नेम से प्यार है। ठीक है, उसे दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास ये है, मैंने इसे हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे यहां पर दिख रही है जैसे थर्ड पार्टी यहां पर चाह रहे हैं, लेकिन डेथ का कार्ड चेंजेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड अगेन, ठीक है, अपसेट होने की एनर्जी, सैड एनर्जीज यहां पर दिख रही है आपके पर्सन की लाइफ में, राइट, उस आपकी थर्ड पार्टी जो थी ना उसका, बेशक उसके प्लान्स कामयाब हो गए हैं, ठीक है, बेशक उसे लग रहा है कि मैंने दुनिया को दिखा रही हूं कि मैंने इस पर्सन को हासिल कर लिया, कि पर दिल से वह उसे हासिल नहीं कर पाई है।
ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी है वो दिल से उसे हासिल नहीं कर पाई है, वो उस थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन खुश बिल्कुल भी नहीं है, हैप्पी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, राइट। उसे वहां उसे थर्ड पार्टी को छोड़कर जाना है, लेकिन वो इतना मजबूर है कि वो आगे जा भी नहीं पा रहा, वो स्टक हो चुका है अपनी सिचुएशन में, रुक चुका है, अटक चुका है, अटकाव फील कर रहा है वो उस पर्सन के साथ, राइट। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर हम उस आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखें, ठीक है, करंट फीलिंग्स, जिन्स ये प्रिडिक्शन जो हम कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स के ऊपर है, राइट। तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है, तो यहां पर मे बी वो किसी तरीके गॉड से प्रे कर रहे हैं, जिन भी भगवान को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को वो मानते हैं, वो उनसे प्रे कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, रिकंसिलेशन के लिए, ठीक है। मे बी उन्होंने कुछ नया हो सकता है स्टार्ट कराया हो, कोई नई पूजा पाठ करवाई हो, या फिर अगर हो सकता है कोई वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं आपके लिए, कोई स्पेल वर्क करवाना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरीके की आपके लिए कि आप मैनिफेस्ट, आप वापस उनकी जिंदगी में आओ, ठीक है। उसके लिए जो कुछ उनको लग रहा है ना कि वो कर सकते हैं, वो सब चीजें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अगर करंट फीलिंग देखें हम, तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें सिर्फ पता चले कि यार आप ये करोगे ना तो आपका प्यार आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगा, तो वो उस चीज को करने के लिए तैयार है। इतना पागलपन है उनके दिमाग में आपको लेकर, इतना फितूर उनके दिमाग में समाया हुआ है आपको लेकर सिर्फ, ठीक है, कि आपको पाने के लिए कोई भी उन्हें कुछ कहेगा ना कि तुम 10,000 की पूजा करवा दो, 40,000 की पूजा करवा दो, वो तक करने को तैयार है आपके पड़ोसन। बेवकूफ, कहीं ना कहीं बेवकूफ बनने की कगार पर दिख रहे हैं मुझे वो, ठीक है। तो मे बी ये भी पॉसिबल है उनके साथ कि पैसे बहुत खर्च रहे हैं, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, कि पैसे बहुत स्पेंड कर रहे हैं वो, कि इस मंदिर में चले जाओ, ठीक है, ये इस मंदिर की बहुत मान्यता है, यहाँ चले जाओ, यहाँ जाओगे तो बिल्कुल आपका प्यार आप पे मिल जाएगा, तो वो वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई बिलीव ऐसी उनकी सोच हो रखी है इस टाइम के, आपको पाने के लिए वो उनके दिमाग में एक फितूर छाया हुआ है कि वो आपको पाना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। और ये चीज आपको सामने झुक कर वो शो भी नहीं कर सकते, आपको आकर अपने इमोशंस बता भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अकड़ हाई लेवल की, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आकर वो ये बताएंगे ना कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए, थर्ड पार्टी भी छोड़ दी है, ठीक है, मैं तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, अगर वो आकर आपको ये चीजें भी कहेंगे ना, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड जैसे होता है ना, कि उन्हें एक टाइम पास की तरह ना लेने लग जाओ, कहीं आपका प्यार उनके लिए कम ना हो जाए ये जानकर कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो आकर आपको बताते भी नहीं है। बट इस वक्त उनके दिमाग पर आपको लेकर पूरा फितूर छाया हुआ है। तो दिस इज द रीडिंग फॉर द करंट एनर्जी। साथ ही साथ हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के करंट मैसेज क्या है आपके लिए, ठीक है, क्या कहते हैं आपको, अगर वो अभी इस टाइम आपको कुछ कह सकते। यू लव अनकंडीशनली, तुम मुझे अनकंडीशनल लव करती हो, तुम मुझे बहुत बहुत प्यार करती हो, बिना किसी शर्तों के तुम मुझसे प्यार करती हो, बिना किसी शर्तों के, एंड दैट्स वट वो आपके लिए फील करते हैं। आप दिख रहा है आपको एक कार्ड, दिस इज वट द मैसेज ऑफ योर पर्सन। तो ये आज की रीडिंग थी गाइस, ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे इस चैनल को, ओके, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।